सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए डिंगम का एक और नया एपिसोड। तो गाइस, डिंगम के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने हमारा काफी ज्यादा बड़ा वाला जो मुर्गी फार्म है ना गाइस, वो यहाँ पे बनाने का काम करा था। और गाइस, आज के इस एपिसोड में हम क्या करने वाले बताए क्या गाइस? आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस, यहाँ पे अरे अंदर ही है ना, हाई अंदर है गाइस, ठीक है। सो आज के इस एपिसोड में हम मचाने वाले और भी तबाही गाइस। सबसे पहले जो है ना गाइस, यहाँ पे पानी, ओ पानी तो पड़ा हुआ है क्या? ये पानी कैसे पड़ा यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहली बात कि पानी डाला किसी ने, लग रहा है गाइस बारिश भी आई थी उस रीजन से जो ना गाइस यहाँ पे पहले से पानी पड़ा हुआ है, मेरे को डालने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है, अच्छी बात है। चलो तो गाइस, आज की इस एपिसोड में वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आगे करा जाए तो क्या करे, मतलब करे तो क्या करे। मैं एक काम कर सकता हूँ गाइस, संडे, अरे यार संडे भाई, आज संडे नहीं होता ना तो मैं बनाना की जो खेती है ना बहुत ज्यादा बड़ी वाली, वो यहाँ पे बना लेता, क्या बोलते हो? मतलब इधर तो कहीं पे बनाना की खेती नहीं बना सकते ना अपन, या फिर यहाँ पे बना लो। नहीं यार, यहाँ पे तो मुर्गियों को रखना पड़ेगा मेरे को, मुर्गियाँ नहीं सॉरी जो शिप्स आती है ना अलग अलग, उनको रखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो मैं बनाना की खेती नहीं हो सकती, लेकिन मैं बनाना की खेती जो ना गाइस मैं जरूर करना चाहता हूँ। एंड मैं आज जो ना गाइस किसी भी कीमत पे बनाना की जो खेती है ना गाइस वो करके रहूंगा। और वो अपन खेती जो ना गाइस वो करेंगे इस वाले एरिया में गाइस, ये देख रहे हो ये वाला जो एरिया है ना गाइस, अरे यार इसको कहाँ पे बेचूं? एक काम कर लेता हूँ, इसको जाके जो है ना गाइस जॉन के शॉप में बेच देता हूँ, देखता हूँ जॉन जो है ना गाइस वो इसको लेता है कि नहीं। अरे यार संडे संडे में जॉन भाई शॉप ओपन नहीं करता है, मेरे को जाके फटाक से सोना पड़ेगा। रुको, अरे सोने से पहले इनको खाना पीना जो है ना गाइस वो भी डालने दो, वरना बेचारे भूख के मारे मर जाएंगे। और दो मुर्गियाँ जो है ना गाइस वो भी मेरे को खरीदने दो गाइस, ठीक है, दो मुर्गियाँ भी खरीदने दो। अभी यहाँ पे देख रहे हो गाइस, ये घास जो है ना गाइस ये घास फूस खा रहे है, इसलिए एक मिनट रुकिए, घास फूस कैसे लगा सकता हूँ मैं? एक बार अगर मैंने घास फूस लगा डाली ना, घास फूस लगा डाला तो समझ लो लाइव झिंगा लाला गाइस, ओके। क्या घास लग सकती है यहाँ पे? अच्छा ये, अरे यार डायरेक्टली सीड लेके आने और लगा डालने, बताओ ना भेज गया कैसे, सीड लेके आने और लगा देनी है। रुको 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 भाई, सीड तोड़ने के लिए मेरे को सबसे पहले वो इक्विपमेंट लेना पड़ेगा ना, जो कि मेरे पास है नहीं गाइस। सीड तोड़ने वाला जो इक्विपमेंट है होता बड़ा सा, वो अभी मेरे पास है नहीं, वो बन भी नहीं सकता, वो शायद मेरे को बन सकता है, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ, बन जाएगा क्या? हाँ ये तो बन जाएगा यार, इसलिए तो पाम वुड प्लैंक चाहिए खाली एक, ठीक है, इससे जो ना कि सीड लेके आता और वो अंदर लगा दूंगा मैं, क्योंकि उसी से जो ना गाइस हमारे जो पाम वुड प्लैंक, जो हमारे जो पांडा बिंडा जो भी है गाइस वो खाना खाएंगे, ओके। और मैं फिर और पांडा लोग जो ना गाइस वो यहाँ पे खरीद सकता हूँ, एकदम मस्त प्लान है भाई, ठीक है, रुक जाओ। बाकी तो सामान यहाँ पे मेरे को डालने दो फटाक से, जो भी मेरे किसी काम का नहीं है। पॉटी भी डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पॉटी से हम फ्यूचर में जो ना फर्टिलाइजर बना सकते हैं गाइस, ठीक है, ओके। बाकी तो और क्या डालना है, एप्पल चप्पल डाल दे यहाँ पे, ये भी डाल दे यहाँ पे, ये भी डाल दे। ये मुर्गी को बुलाने वाला है ना, और ये इसको बुलाने वाला है, दोनों साथ में रख लेता हूँ। बनाना का मेरे को जो ना गाइस तो वो बना लेना है ना गाइस, क्या बोलते हैं फार्म बना लेना है, तो बनाना भी साथ में रखूंगा मैं। थोड़ा खाना खा लेता हूँ मैं। अबे यार कितने बुक्कड़ लोग है भाई, सारा का सारा खा गए भाई। हेलो, अरे कैसे हो मैडम जी? हेलो राहुल बोल रहे हैं भाई वो, ठीक है। सो यहाँ पे जो ना गाइस हर तरफ मेरे को खाली सीढ़ी सीड लगानी है ग्रास की गाइस, ठीक है, इसलिए सबसे पहले ऐसे ग्रास काट लेता हूँ और सीड जो ना गाइस वो जमा कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को लगाने था कि सीड जो ना गाइस इसे काम आएगी, मैं तो जितनी भी सीड मेरे को मिलती थी वो सारी जो ना गाइस वो फेंक देता था, ओके। यहाँ पे कितनी मिल रही है, तीन भाई, तीन से काम नहीं बनेगा, मेरे को 30-40 जो ना गाइस वो कम से कम तो चाहिए होगी गाइस यहाँ पे सीड, एक दो तीन से ऐसा जो ना गाइस काम नहीं बनने वाला अपना, इतने से काम बन जाएगा ना गाइस। मेरे पास लगभग भाई 23 सीड आ चुकी है, देखता हूँ चलो 23 सीड से जो ना गाइस काम बनता है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो बन जाना चाहिए यार, 24 आ चुके हैं अभी, ठीक है, थोड़ी सी और भाई 5-6 और उठा लेता हूँ एंड मेरे हिसाब से काम बन जाएगा, क्योंकि वो जो फेंस है ना गाइस वो भी मेरे हिसाब से मैंने उतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, तो 27 से जो ना गाइस पूरा का पूरा घास से तो कवर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मिले बेटा, ठीक है, वहाँ पे घास नहीं लगानी थी, रुक जाओ, ये इसके नीचे का जो ये ना गाइस ये निकाल लेता हूँ मैं, नहीं पहले ऊपर का तोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ ऊपर का तोड़ूंगा, देन निकालूंगा, उसके बाद यहाँ पे वापस से फिल करूंगा एंड ये फेन जो है गाइस वापस से अपन यहाँ पे लगा डालेंगे इस तरह से। ए बाहर नहीं जाना काल, हाँ मस्त, ठीक है चलो। हाँ अभी यहाँ पे जो ना गाइस पूरा का पूरा ऐसा हरियाली की दुकान अपन कर देंगे, ताकि यहाँ पे जो ना गाइस घास उगना चालू हो सके, ओके। वैसे जो हमने भाई इनके लिए वो पेन बना के रखा है, अरे यार कम पड़ेगी यार, मेरे को लगाया था गाइस सीड्स कम पड़ेगी, मेरे को ज़्यादा लेके आनी चाहिए थी भाई। यहाँ से जो ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास पड़ी हुई है, सारी सारी तोड़ के ना बहुत सारी सीड निकाल लेता हूँ, लगभग और 15-20 लगेगी मेरे को सीड।
यहाँ पे तो भर भर के घास पड़ी हुई है भाई, देख रहे हो गाइस। बस यहाँ पे जाके इसे घुमा लेना है। देखो गाइस ये देखो, आप अलग बात है, इतनी सारी घास तोड़ने के बाद भी मेरे को जो ना गाइस ज्यादा कुछ सीड मिली नहीं है। कितनी मिल गई भाई? ये 20 सीड मिल गई गाइस। क्या बोलते हो, इनफ रहेगी ना इतनी? इतने से तो काम बन जाएगा, कोई तो मिशन कम्प्लीट हो गया। ठीक है भाई, सीड कलेक्टिंग वाला जो ना गाइस वो मिशन कम्प्लीट हो चुका है। बाकी तो यहाँ पे मेरे को कंपोजिट बीन जो ना गाइस वो भी बनाने पड़ेंगे, ताकि मैं उसके अंदर फर्टिलाइजर बना सकूँ। अगर मेरे पास फर्टिलाइजर होता है तो शायद हम लोग ना हमारे प्लांट्स को जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं भाई। ठीक है, आ जाओ। अभी मैं यहाँ पे हर जगह पे घास लगा देता हूँ। इस तरफ लगी हुई है पहले से घास, तो यहाँ पे भी कुपचेवाड़े में लगा देता हूँ। ठीक है, हेलो अंकल जी। हाँ जी, ठीक है, घास तो उगेगी ना, कितना 7 और चाहिए ना। हाँ डन, टड़ा। ओके यार, अच्छा अंदर साइड भी लगी ना। ठीक है चलो गाइस, तो घास फूस मैंने लगा दिया। अभी यहाँ पे घास फूस उगती रहेगी और ये खाते रहेंगे। बाकी तो मेरे को मुर्गियाँ जो ना गाइस वो लेके आनी है यहाँ पे। ठीक है रुक जाओ, मैं थोड़ी सी मुर्गियाँ जो ना गाइस वो लेके आता हूँ। थोड़ी सी नहीं, खाली मैं 2 ही लेके आ पाऊंगा। वैसे पैसे कितने बचे? 80,000 बचे ना। सो एक वो भाई प्लैटिपस जो है ना गाइस वो भी लेके आता हूँ। अरे नहीं, ये नहीं खरीद सकता मैं, ये अपने औकात के बाहर है भाई। ना ना, ये अपने औकात के बाहर है भाई। ठीक है चलो गाइस, कोई ना भाई, यहाँ पे जो ना गाइस मुर्गियाँ खरीद लेते हैं। ओके सोना भाई, सोना। ठीक है, इसका नाम अपन सोना रखेंगे। चलो मेरे को बेटा जी थोड़ा फूड दे दो। मुर्गियाँ जो ना गाइस कुछ ज्यादा मात्रा में फूड खा रही है यार यहाँ पे। क्या बताओ आपको, बहुत ज्यादा मात्रा में खा ले। 100 फूड जो ना गाइस 99 फूड ले लेता हूँ यहाँ से। पैसा लेकिन बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है यार इन एनिमल्स को पालने में, जो पैसा खत्म हो रहा है ना। क्या बताओ गाइस आपको, वैसे अंडे शंडे भी दे रहे हो अलग बात है, बट यार पालने में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। हेलो भाई, चलो भाई एक और मुर्गी का बच्चा लेके आता हूँ। जो गाइस हमारा पांडा था ना, पांडा पांडा के जैसे दिखने वाला डायनो बोल दिया भाई एनिमल, वो गाइस यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, पता नहीं कब आएगा, लेकिन अभी तो गायब हो चुका है। ठीक है ये ले बेटा, कारली बिरली। ठीक है चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट्स गो। तो गाइस 2 मुर्गियां और जो ना गाइस तेरे भाई के पास आ चुकी है, एंड इनको यहाँ पे वापस से डाल देता हूँ मैं। ठीक है, इनके फेंस के अंदर, टड़ा। ये लो भाई, ओ यहाँ पे भाई वो लगाना है ना मेरे को, रुक जाओ। 3 और मेरे को क्रॉप लोड चाहिए होंगे, उसके बाद अपना काम 25 हो जाएगा। अभी जाके जो ना गाइस मैं चुपचाप सो जाऊंगा। और एक मिनट रुक जाओ, मेरे को कुछ चीजें भी खरीदनी थी और कुछ चीजें भी बनानी थी वैसे, रुक जाओ। ओके एनिमल फीडर दे दे अंकल। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ कि वो चीजें जो है ना गाइस, मतलब मेरे को कंपोजिट बीन बनानी है, बट मैं वो लगाऊंगा कहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा मेरे पास, जगह कहाँ पे लगाने के लिए। वैसे जगह तो काफी सारी है वो भाई, मतलब कहीं पे भी लगा सकता हूँ, मतलब अच्छा दिखना चाहिए ना इसे लगाने के बाद। ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा सा अच्छा दिखे। कहाँ पे लगा सकता हूँ कंपोजिट बिन? यहाँ पे नहीं लगा सकता ना, यहाँ पे तो भाई ट्रीज है। इनके सामने लगा दूँ क्या ऐसे, दोनों साइड में कंपोजिट बिन 6 बना के? वैसे देख लेता हूँ, कंपोजिट बिन बनाने के लिए हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा। कंपोजिट बिन ही बना डालेंगे वरना आज। ठीक है देखता हूँ, चलो गाइस क्या क्या मटेरियल चाहिए अपन को। कंपोजिट बिन ये रहा भाई। अरे बाप रे भगवान, इतना सस्ते में बन रहा है क्या? अरे तो भाई नहीं बनाना आज मेरे को कंपोजिट बिन भाई। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक कंपोजिट बिन बनाया जाए ना। गाइस देखना चाहता हूँ मैं कि जो कंपोजिट बिन है ना वो वर्क क्या करता है और उसके अंदर क्या क्या डालना पड़ता है ना गाइस। क्या बोलते हो, वैसे बनाने के लिए मटेरियल भाई बहुत ज़्यादा चाहिए यार, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बात माननी पड़ेगी। बी हाउस भी, ए बी हाउस सस्ते में बन रहा है क्या ये बी हाउस? गाइस बी क्वीन चाहिए भाई। हेलो क्वीन भी कहाँ से लेगा तुम्हारे लिए? भाग बेच गया। नहीं बाबा, नेल्स बना सकता हूँ, टीन शीट बना सकता हूँ, कॉपर है और हार्डवुड प्लैंक है भाई अपने पास, उसका कोई सीन नहीं है। हार्डवुड प्लैंक तो मैंने भाई बना के रखे थे, वो कहाँ पे चले गए? अब 10 हार्डवुड प्लैंक है अपने पास, नेल्स है अपने पास, बाकी तो और क्या चाहिए था मेरे को? और तो टीन शीट चाहिए ना, तो टीन शीट तो अपने पास आ ही जाएगा। कॉपर और टीन शीट मैं बना लेता हूँ, रुक जाओ। टीन शीट कितना चाहिए? मैं एक ही बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता भाई अभी फिलहाल के लिए। वैसे एक, हाँ एक ही बना सकता हूँ। कॉपर भी काफ़ी ज़्यादा कम नहीं है अपने पास ये, बट मैं एक बना के देख लेता हूँ कैसी ने। टीन शीट चाहिए और नेल चाहिए ना भाई, ठीक है। सो मैं फटाक से यहाँ पे बना लेता हूँ नेल्स थोड़े से, एंड उसके बाद जो ना कहते अपन बना देंगे टीन शीट। उठा ले, अरे भेज के उठा उठा उठा। हाँ एंड ये रहा अपना पहला पहला शाह, ठीक है ये पहला पहला शाह। ये टीन शीट भाई, ठीक है एक ही चाहिए था ना, एक ही चाहिए था। लेट्स गो भाई, कंपोजिट बिन तेरा भाई बना दिया भाई, ठीक है। वैसे कंपोजिट बिन ना ये भाई क्या वर्क करता है देख ले तेरे को। इसके अंदर फर्टिलाइजर तो बनना चाहिए मेरे हिसाब से यार। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक चीज़ बताएं जो मेरे को बता सकती है कि इसके अंदर क्या क्या बन सकता है, ठीक है। एंड वो चीज़ है गाइस मशीन मैनुअल कहाँ पे? इसके अंदर है क्या मशीन मैनुअल? अपन ने एक बुक ली थी ये वाली, ठीक है। ये अपन को सारी चीज़ें बताएगी कि कौन सी चीज़ में कौन से भाई, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती है
और उसके अंदर से क्या क्या बाहर निकलता है, क्या क्या बाहर निकलता है वो तो नहीं बताएगी, लेकिन क्या क्या डाल सकते किस चीज के अंदर वो बता देगी। अबे आप बोलोगे यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉटी करेंगे ना वो शायद पॉटी इसके अंदर डालनी पड़ेगी मेरे को। सो मैं इसके अंदर व्हाट, मैं इसके अंदर पॉटी शेल हड्डी बिड्डी मीट बीट हर चीज डाल सकता हो, मतलब ये कचरा है क्या सारा का सारा। सो मैं अगर ये इसके अंदर डाल देता हूँ, समझ लो ये पॉटी शड्डी है, ठीक है पॉटी शड्डी इसके अंदर रिक्वायर टू। अच्छा दो चाहिए तेरे को पॉटी, वाह भाई वाह, पोटियाँ बचा के रखी है मैंने, टेंशन नहीं लेना। बाकी तो मेरे को शेल्स बिल जो है ना वो भी चाहिए होगी ना थोड़ी सी। सो पोटी ये भाई छः यहाँ पे पड़ी हुई है भाई, बाकी शेल बिल और हड्डियाँ बिड्डियाँ चाहिए भाई, ठीक है हड्डियाँ लेके आता हूँ रुको गाइज। गाइज अभी यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, ए भाई दो ही जाएगा क्या, अबे यार मेरे को लगा भाई पूरा भर डालूंगा मैं उसको, बट दो ही गया। कल तक दी थी ना गाइज की यहाँ पे अपन का ना फर्टिलाइजर बनता है कि नहीं, वैसे एक दिन में फर्टिलाइजर कभी भी बनता नहीं है, बट फिर भी रुक जाओ पानी डाला हुआ है ना, पक्का पक्का पानी डाला है ना हर एक के ऊपर, हाँ हर एक के ऊपर पानी डाला है मैं भाई। कल तक जो ना गाइस देखता हूँ कि यहाँ पे कंपोजिट बिन में क्या बनता है भाई, ठीक है अपना फर्टिलाइजर बनता है कि नहीं। ओके अभी अपन सो जाते फटाफट से, एंड कल सवेरे जो ना गाइस अपन को पता चलेगा कि यहाँ पे अपना कंपोजिट बिन जो है ना उसके अंदर फर्टिलाइजर। एक मिनट रुक जाओ, एक फर्टिलाइजर कब बनाया बेस गैग मैंने, यहाँ पे ऐसा एक फर्टिलाइजर क्यों लिख के आ रहा है, एक ये एक एक करके क्यों लिख के आ रहा है ऐसा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइज, ये एक क्यों लिख के आ रहा है कि मेरे इन्वेंटरी में एक फर्टिलाइजर ऐड हो चुका है क्या, नहीं तो भाई। अच्छा मतलब मैंने बनाने के लिए डाला गाइज एक फर्टिलाइजर, उस लिए क्या लिख के आया, बारिश हो रही है आज भी पानी डालने की जरूरत नहीं है मुर्गियों, क्या भीग भी गई है क्या। ओ व्हाट द इंसर्ट, निकल गया गाइस मार फर्टिलाइजर, ओ भाई लेट्स गो भाई, ऊपर से भाई अंडे ही अंडे मिल गए तेरे भाई को गाइस, खतरनाक यार मजा आ गया गाइस, फर्टिलाइजर तेरे भाई को मिल गया गाइस आप एकदम मस्त बिकी। मैं ना क्या करूंगा बताए क्या, इस तरह के और ज्यादा कंपोजिट बीन जो ना गाइस वो बना के आप ऐसे लगा के रख दूंगा गाइस, क्या बोलते हो। उनमें से एक मिनट जाओ अभी ये मेरे को बताने फर्टिलाइजर वर्क कैसे करता है, फर्टिलाइजर तो है बट ये वर्क कैसे करता है। विल मेक प्लांट ग्रो फास्टर बट हाउ कैन आई यूज इट ब्रो, भाई हाउ टू यूज फर्टिलाइजर ब्रदर, प्लांट ना या क्रॉप्स लिखा था, प्लांट लिखा था, सो प्लांट बोले तो ये वाले प्लांट्स क्या, आई डोंट नो यार, ये फर्टिलाइजर के बारे में मेरे को पता नहीं गाइस, आपको पता है क्या ये फर्टिलाइजर कैसे यूज होता है कैसे वर्क करता है, अगर पता हो ना तो नीचे कमेंट मार के बता देना, क्योंकि तुम्हारे भाई के दिमाग के ऊपर से सब कुछ आ रहा है। ओह बारिश गिरने के बाद ही देखना अंदर आया छुपने के लिए बारिश, अले क्या हुआ ठंड लग रही है, ये देखना देखना ना गाइस कैसे अंदर छुपे हुए भाई टाल से, अयो अरे बिक जाएगा, अरे भाई ठंड लग जाएगी लौंडे। चल वैसे तो पॉटी दे दे मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, इनका पॉटी जो ना गाइस वो इकट्ठा करते जाना है मेरे को खाली, और कुछ नहीं करना, ठीक है गाइस मजा आ गया वैसे आज जो ना गाइस मजा आ गया। रुक जाओ मैं और क्रॉप लोड बना सकता हूँ क्या, क्रॉप लोड नहीं सॉरी वो फर्टिलाइजर वाला उसी ने जो वो बना सकता हूँ क्या, और क्या चाहिए बताओ मेरे को, अगर मेरे को और ये बनाने तो मेरे को नेल चाहिए होगी, टीन शीट चाहिए होगा, और हार्डवुड भी चाहिए होगा ना, कॉपर भी चाहिए होगा, टीन और नेल्स चाहिए होगी ना काफ़ी ज़्यादा। एक मिनट रुक जाओ, फालतू का सामान यहाँ पे डाल दे, सबसे पहले बनाना डाल, ये रख दे, अंडे डाल दे, ये चाहिए होगा मेरे को भाई, हार्डवुड प्लैंक भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये डाल दे यहाँ पे, ये डाल दे। टॉर्च की तो अभी ज़रूरत नहीं है ना, जब भाई खुदाई करने चलेंगे ना तब देख लेंगे गाइस, ठीक है टॉर्च को, ठीक है। बाकी तो भाई अपन को थोड़ा सा अभी सामान लेके आना पड़ेगा गाइस, अपने पास सामान की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा सामान लेके आ जाता हूँ मैं, फर्टिलाइजर भी ये भी डाल देता हूँ, पॉटे अपने पास रहने दो, कॉपर चाहिए होगा ना यार, कॉपर तो अपने पास बड़ा हुआ था यार, कॉपर की कमी नहीं है मेरे हिसाब से यार अपने पास, तो कॉपर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में होना, एक सारा कॉपर, अबे अरे 16 कॉपर है ना हमारा मेरे बच्ची, ठीक है। नेल्स कितनी चाहिए, मैं दो और बनाऊँगा गाइस, ठीक है ये दो और बनाऊँगा, दो और बनाने के लिए कितना होगा, अरे यार नेल्स तो बना लिया यार मैंने 16, ठीक है 8, ओके दो और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड टीन शीट कितनी चाहिए होगी मेरे को बता दे सर, टीन शीट चाहिए होगी, हाँ ठीक है, तो टीन शीट जो ना गाइस एक एक ही चाहिए, मतलब मेरे को भाई दो ही काटने खाली। ओके अभी खाली मेरे को हार्डवुड चाहिए होगा गाइस, ठीक है। सबका भाई फर्टिलाइजर का ही, अरे एक मिनट रुक जाओ, सारे के सारे का मैं फर्टिलाइजर वाला वो क्या बोलते हैं कंपोजिट बीड बना तो दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर रख,
अच्छा यहाँ पे नहीं रख सकता, जॉन को बेचने के लिए आया था ये बर्ड, लेकिन जॉन ले ही ले रहा। गाइस मैं बना तो लूँ गाइस, ठीक है, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि वो यूज कैसे करना है। तो अभी बना के जो ना गाइस फायदा नहीं है, मैं तीन खाली जो ना गाइस बना लेता हूँ यहाँ पे कंपोजिट बिन, एंड बाकी का बाद में देख लेंगे, ठीक है। मेरे को लगभग 16 हार्डवुड जो ना गाइस यहाँ से लेके जाना है, और मेरी पिकैक्स जो ना गाइस 16 हार्डवुड यहाँ पे तोड़ पाएगी कि नहीं ये मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। मेरे पास टोटल कितना पड़ा हुआ है अभी, 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, टोटल 16 हार्डवुड तोड़ना है। देखते चलो, मेरे को लग रहा है एक दो जो ना गाइस पेड़ तोड़ने के बाद अपना टाटा बाय बाय गुड बाय होने वाला है यहाँ पे ज्यादा। अरे मधुमक्खी का छत्ता, इसको जो ना गाइस रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इससे नहीं भाई तोड़ूंगा, इससे तोड़ता हूँ क्योंकि इससे मेरे को पेड़ काटने हैं, ठीक है, पेड़ काटने मेरे को, इससे तोड़ता। अबे मधुमक्खी, अरे इसके ऊपर मारना, हाँ लेट्स गो। क्वीन भी पकड़ ली क्या अपन ने? मेरे को लग रहा है कि जो हनिया अपन को मिलती है ना वो क्वीन भी पकड़ने की किसी काम आती होगी गाइज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्डवुड है आगे साइड में, ये तोड़ लेता हूँ मैं। टोटल कितना हो गया भाई? 8 हो गया, 8 और 6, 2 और पेड़ टूट गया ना तो काम हो जाएगा अपना, खाली 2 और पेड़। नहीं लग रहा है टूट पाएंगे यार, 2 और पेड़ नहीं टूट पाएंगे ना, टूट जाएंगे शायद, जरा सा भाई जरा सा ना, टूट गया गाइस। चलो अभी ये भी तोड़ देता हूँ गाइस, ये भी तोड़वा ही देता हूँ गाइस, वैसे भी टूटने ही वाला है, ये खत्म है भाई, ये लो लेट दो। चलो भाई आ जाओ फटाक से जो ना गाइस अभी चलते हैं अपन भाई घर पे, एंड वहाँ पे जो ना गाइस इसके लॉग बना के जो कंपोजिट बीन है ना गाइस वो 2 और बना डालते हैं। वैसे एक दिन का पूरा टाइम जो ना गाइस वो लगता है एक फर्टिलाइजर बनाने के लिए, आई थिंक मेरे को ऐसे लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। वैसे मेरे को बताने की कितने घंटों में फर्टिलाइजर बनता है यहाँ पे, मैं अभी जाके देख लेता हूँ कि फर्टिलाइजर बना के नहीं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि तुरंत ही फर्टिलाइजर बनेगा, एक दिन का तो टाइम लग ही जाएगा मेरे हिसाब से ना गाइस, एक दिन का तो टाइम लग ही जाएगा। रुकना मैं देख लेता हूँ बनाएगा फर्टिलाइजर, नहीं बना तो नहीं है गाइस, एक दिन का टाइम आई थिंक मेरे को लग जाएगा। अरे यार, अरे भूख लगी है क्या लोंडो? अरे हमारे लोंडे लोग को भूख लग गई गाइस, यहाँ पे रुक जाओ, खाना पीना देने दो। वैसे मुर्गिया जो ना गाइस मेरे को खरीदनी है और भी। अबे क्या खा रही है भाई? अरे 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 भाई बैठी हुई थी गाइस भाई, कब खाना डाल रहा हूँ करके। चलो भाई भाई बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ हो चुकी है ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा खाना जो ना गाइस वो भी मेरे को यहाँ पे डालना पड़ रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाक से जो ना गाइस कंपोजिट बिन ना 2 और बना लेते हैं। पहले मेरे को लॉक जो ना गाइस वो तोड़ने पड़ेंगे एकदम फुल डू, काट चार डालते हैं, ठीक है, काट चार डालते हैं ऐसा लॉक्स को, टक 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 टक, कमान कमान दे दो। ओके 16 टोटल कितना हो चुका है? ओके ठीक है, 4-5 रुक जाओ, ये भी उठा लेता हूँ फटाफट से। ए वी गो कितना बचा? 4 ही बचाएगा इस खाली काटना, हो गया। चलो काम 25 है ना मेरे भाई, सारे के सारे प्लैंक्स अपने पास आ चुके हैं, इससे जो ना गाइस कंपोजिट बिन बना लेंगे, 2 टोटल 2 बना लेंगे, टड़ा खत्म। अभी खत्म, इतने में इतना ही मिलता है। अभी 2 लगा के इसके अंदर पॉडी डालता हूँ ताकि फर्टिलाइजर जो ना गाइस वो बन सके। तेरे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है रे बाबा, कोई हार्डिच नहीं है। ओके इधर, अच्छा इधर ही 3 लगा दूंगा, इधर ही 3 लगा दूंगा, टड़ा पॉडी शट्टी डालेंगे, फर्टिलाइजर बनाएंगे। चलो ओके, बाकी यहाँ पे रुको, खाना पीना डाल देता हूँ। ओके एंड अभी अपन जाके जो ना गाइस क्या कर लेते हैं, बताए क्या, थोड़ी सी और मुर्गियाँ, और अगर हमको पांडा मिल रहा है ना तो वो ले लेता हूँ। अरे संडे है क्या? मंडे को बंद होता है इसका शॉप। वाह भाई वाह, तो आज जो ना गाइस अपन और कुछ कर नहीं सकते, तो एक काम कर लेते फिलहाल ले, आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है ना गाइस वो यहीं पे खत्म कर लेते। हम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली प्रोग्रेस जो ना गाइस वो डिंकम में कर रहे हैं, और अभी जो ना गाइस डेकोरेट करने का काम जो ना गाइस वो बाकी है। अपन जो ना गाइस यहाँ पे पूरी तरह से डेकोरेट करने वाले अपने पूरे टाउन को, और बहुत सारी और नई नई चीज़ें जो ना गाइस मैं ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे। वैसे आप मेरे को बता देना जिनको बताओगे कि फर्टिलाइजर कैसे यूज करता है, अगर पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। और आज का जो एपिसोड है इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगले एपिसोड में गाइस यहां पे डिंकम के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस, फर्टिलाइजर रेडी है भाई। ओ बट इट्स टू लेट नाउ, आई रिमेंबर यू एंड मी and how careless we could be. All day and all night we'd stay up, it felt so right, we were so young, we were so dumb, we would get drunk.